अनुज गौर इस बीच मिस्सा जुड़ रहे हैं, बीबी है आईबीबीएम के, उनसे जरा हम बातचीत अब करते हैं और उनसे थोड़ा आइडिया लेते हैं, पहले तो इंडेक्स का, फिर अलग अलग स्टॉक्स के बारे में उनसे बातचीत करेंगे। अनुज बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आपने टाइम निकाला, फिर से आपसे बातचीत हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका टिम्पी जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, मैं ना निफ्टी पे ही आना चाहता था, एक बार मैं व्यू पॉइंट आपसे निफ्टी का ले रहा हूँ। बार बार बाजार क्या कर रहा है, अपने मेगा सपोर्ट एरिया जिसको हम 15,400 बोलते हैं उसको टेस्ट करता है, बचाता भी है और उसके ऊपर पुल बैक भी देता है, ये अच्छी चीज है या फिर बार बार टेस्ट करने के लिए आ रहा है ये बुरी चीज है? देखिए डिम्पी जी, इसको हम ऐसे देखते हैं, अभी ओवरऑल जो ये यूएस मार्केट की वजह से इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिला है, क्योंकि फ्राइडे को जो फेडरल रिजर्व के ऑफिशियल हैं मिस्टर जेम्स, उन्होंने जैसे बोला कि यूएस सेंट्रल बैंक माइट रेज इंटरेस्ट रेट रेज कर सकता है यूएस सेंट्रल बैंक, जिससे आप देख सकते हैं कि काफी हमें बिकवाली देखने के लिए मिली थी फ्राइडे में डाउ में, डाउ जोन्स में आप देख सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट हमें कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला है। और दूसरा आप देखेंगे अगर हम लेवल्स की बात करें तो एक कहीं ना कहीं एक सुगबुगाहट है जो मोदी जी ने कुछ कश्मीर मिनिस्टर्स और सारे जे एंड के मिनिस्टर्स को थर्सडे को मीटिंग के लिए बुलाया है, तो वो यूनियन टेरिटरीज का भी कुछ डिस्कशन हो सकता है जो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल सुगबुगाहट है और जो एक बड़ी खबर हो सकती है। तो आप ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट ने आज गैप डाउन लिया है उसका ये दो मेजर रीजन रहे हैं जो मैंने आपको बताया, जिसको हमारे मार्केट ने एक यूएस मार्केट को रिएक्ट किया है और एक थर्सडे को लेकर के जो लोग सुगबुगाहट है कि वो क्या डिस्कशन हो सकता है जो आ सकता है उसको लेकर के मार्केट में वीकनेस आई है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मार्केट में तेजी का पैटर्न बना हुआ है और लॉन्ग टर्म में अभी भी आप देखेंगे तो मार्केट में बुलिश पैटर्न बना हुआ है, बट जैसा मैंने अपने लास्ट बात में भी बोला था लास्ट मंडे, इस तेजी को लेकर के मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रेंथ मेरे को ओवरऑल इंडस्ट्रीज में देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, यानी कि आप जो कह रहे हैं, क्योंकि शक्तिकांत दास भी कई बार कह चुके हैं, आप देखेंगे जन आरबीआई गवर्नर, उन्होंने कहा कि जो था कोरिलेशन नहीं है आपस में, हालांकि अलग अलग पैरामीटर्स पे जरूर होता ही है, ये दिखता भी है, थोड़ा कोरिलेशन वाला जो फैक्टर है वो तो खैर नोटिस हो ही रहा है यहाँ। ठीक है डन, बट ओवरऑल आप कह रहे हैं कि मार्केट बुलिश है, एक बार 400 वाला सपोर्ट काम आ जाएगा। सर मैं आता हूँ सीधा स्टॉक्स पे ही, जरा हम जिंदल पॉली से शुरू करें सर, जिंदल पॉली से दीपक नाइट्रेट और भी बहुत सारे शेयर थे जो पकड़ गए, पहले जरा जिंदल पॉली पे आते हैं, जरा चेक कीजिए कोई ब्रेकआउट है इसमें। जिंदल पॉली फिल्म्स की बात कर रहे हैं आप? जी जी जी, अभी 584 पे चल रहा है, आवरली चार्ट पे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ब्रेकआउट देने के चांसेस बन जाए शायद। एक सेकंड रुकिए, आप जिंदल पॉली फिल्म्स जो 854 पर चल रहा है इसकी बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल ले, उसी की बात बोलो, 850। अच्छा दो मिनट दीजिए मुझे, थोड़ा इसका चार्ट पैटर्न चेक कर लेता हूँ मैं। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल जिंदल पॉली अगर आप देखेंगे तो इसका बुल रन बना हुआ है और अभी भी बुल्स ने इस पर बहुत अच्छी पकड़ बनाई हुई है, सो ये बिल्कुल फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है और जिन्होंने बाई किया हुआ है वो ऑलरेडी इसको होल्ड कर सकते हैं और इसका जो हमें नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिल सकता है वो मिल सकता है अराउंड 920 to 930। सो आप देखेंगे तो यहाँ से अप्रोक्स हम लोगों को, यहाँ से हम लोग अनदर, यहाँ से अप्रोक्स इसको 10% ऊपर तक हम लोग देख सकते हैं, तो 910-920 तक मैं इसको ऊपर की साइड देख रहा हूं। और जो इसमें पुराने इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल बने रहे हैं, जो पुराने हैं उनका स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्स 768-770 के आसपास, क्योंकि 768-770 पर ये अपना अच्छा जोन बना रहा है, अगर उस पॉइंट्स को ब्रेक करता है तो वहां से एक बार निकल जाना बनता है। और जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं वो इसको लॉन्ग कर सकते हैं, अभी भी यहीं पर बाई करना बनता है, और जो फ्रेश हैं उनके लिए टारगेट रहेगा 910 और स्टॉप लॉस रहेगा अप्रोक्स 800 के आसपास। अच्छा शेयर है, ओवरऑल काफी अच्छा पैटर्न बना रहा है और मैं काफी बुलिश हूँ इस शेयर के। आप काफी बुलिश हैं, आप कह रहे हैं कि 910-920 तक भी चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आपने दो स्टॉप लॉसेस भी बता दिए, 768-770 वाली रेंज। सर मैं अगर इतना छोटा इतना डीप स्टॉप लॉस ना लगाऊं, क्या मेरे को 800 की कैटेगरी का स्टॉप लॉस दे सकते हैं? हमारे पास एक गैप है
गैप के बाद बॉटम फॉर्मेशन है और बॉटम के बाद वो बार बार टेस्ट होने वाला हिस्सा है। देखिए जो मैंने आपको छोटा स्टॉप लॉस दिया है वो इस रीजन से दिया है जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं। देखिए कई बार क्या होता है डिम्पी जी, जो मेरा अनुभव रहा है, जब स्टॉप लॉसेस बड़े होते हैं तो जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं उनकी नेक्स्ट ट्रेड देने की हिम्मत टूट जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि स्टॉप लॉसेस का साइज बहुत ज्यादा हो जाता है। तो दो चार स्टॉप लॉस अगर इन्हें रो आ जाते हैं तो उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो पांचवी या छठी ट्रेड हिट नहीं कर पाते जो कि बड़े प्रॉफिट की होती है। इसलिए मैं उन ट्रेडर्स को माइंड में रख के आपको ये व्यू दे रहा हूँ कि अगर छोटे स्टॉप लॉस होते हैं दोबारा पैटर्न बनेगा, दोबारा बाई करेंगे, एक बार बड़ा टारगेट हिट होगा और स्टॉप लॉस से बड़े टारगेट हिट होते हैं, उस केस में अगर पांच स्टॉप लॉस और पांच टारगेट अगर हमारे लगते हैं और रेशियो अच्छा बनता है तब भी ओवरऑल हमारे सारे व्यूअर्स प्रॉफिट में आ जाते हैं। तो मेरा यही पर्पज रहता है छोटे स्टॉप लॉस देने का, एक मनी साइकोलॉजी के पर्पज से। ठीक है सर, इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्या आप 812 का भी एक स्टॉप लॉस दे सकती हो क्या? मैं 800 की कैटेगरी में लेना चाहूँ तो उसकी वजह बता रहा हूँ, मेरे पास एक ना गैप है, गैप के बाद का एक अच्छा बेस है, फिर जो पैनिक बॉटम बना वो भी उसी बेस पे बना हुआ है, 810 ही बन रहा है, बार बार आके देखोगे आप। बिल्कुल, अगर डिम्पी जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर आप इसका वन डे की कैंडल पर अगर आप इस पैटर्न को देखेंगे तो देखेगा जो ये रेट है, अगर आप देखेंगे पिछले दिनों से क्लोजिंग बेस पर केवल एक बार ये रेट टूटा है और उसने बहुत तेजी से नेक्स्ट डे की रिकवरी किया है, और ये रेट अगर आप देखेंगे तो पिछले आप देख सकते हैं 19 मई अप्रोक्स वन मंथ से जो आप बता रहे हैं इस रेट को क्लोजिंग बेसिस पर इसको तोड़ पाना बहुत टफ रहा है, या तोड़ा भी है तो बहुत लो वॉल्यूम से उसने तोड़ा है और नेक्स्ट डे बहुत तेजी से रिकवर किया है। तो हम लोग उस स्टॉप लॉस को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपने। ठीक है, 810 का भी आप चाहे तो एक स्टॉप लॉस ले सकते हैं, क्योंकि नियर बाय के आपको स्टॉप लॉस सिस्टम दे देती है ताकि आप इसको पर ध्यान भी रखें। ठीक है सर, कोई ऐसा शेयर जो आप देख रहे हैं आपका ऐसा लग रहा है ठीक है उस पे ध्यान रखना चाहिए, पहले आप बता दीजिए फिर मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे करूंगा। बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं ऑप्शंस में कुछ शेयर करना चाहूंगा, ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो मेरा जो पहला कॉल रहेगा ऑप्शंस में शेयर से बेटर जो हो सकता है वो रहेगा रिलायंस का 2220 का कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस इस समय चल रहा है अप्रोक्स 37-38 का करंट मार्केट प्राइस है, 2400 की कॉल, 2220 2220 की कॉल, 2220 2220 का कॉल ऑप्शन रिलायंस का, जिसका प्राइस इस समय 37-38 चल रहा है और रिलायंस का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है अप्रोक्स 2215 के आसपास। इसको पैटर्न को आप ले सकते हैं, मेरे हिसाब से ये शॉर्ट सेल है, मैंने इसको अप्रोक्स 50 पे सेल किया हुआ है, इस समय मेरा अपना खुद ये ट्रेड लगा हुआ है, इस समय इसका मार्केट प्राइस 37 चल रहा है और यहाँ से भी मैं इसको सेल जोन में देख रहा हूँ। जो फ्रेश इन्वेस्टर्स हैं जो इसको इस समय 37-38 पे सेल करते हैं उनका स्टॉप लॉस रहेगा 55 रुपीज, तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करेंगे तो अप्रोक्स 4000 रुपीज का लॉस, और प्रॉफिट की बात करेंगे तो इसमें प्रॉफिट जोन आपका जनरेट होगा अप्रोक्स 9000 का। सो 1:2 का बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है, मैंने इसको 50 रुपीज 50 मंथ पर सेल किया हुआ है, इस समय 38 पर स्क्रीन पर सेल हो रहा है, ये सेल जोन में रिकमेंड करता हूँ। 3 दिन का ट्रेड है, 3 दिन की इसकी ट्रेड लाइफ रहेगी। स्टॉप लॉस मैंने इसका आपको बताया 55 का स्टॉप लॉस है, 55 के स्टॉप लॉस के साथ इसको बहुत अच्छे से आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, 55 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप बेच सकते हैं। वो एक्चुअली क्या है, पूरा का पूरा चैनल बन गया और ये अपने आप में कमजोर हो गया, आप इसको देख भी पा रहे होंगे, ये मैंने आवरली बेसिस पे किया, 1 मिनट के लिए मैं इसको 15 मिनट का चार्ट कर देता हूँ तो और साफ दिखेगा, ये आप देख पा रहे हो से डाउनवर्ड्स मूविंग है। 55 हर तरह से ब्रेकआउट हो जाएगा, ना केवल एवरेजेस से बल्कि कंसोलिडेशन का भी ब्रेकआउट होगा, तो कंसोलिडेशन एवरेजेस दोनों का ब्रेकआउट होने से आपका स्टॉप लॉस कटेगा, आपको बाहर आना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता, क्योंकि टाइम वैल्यू भी है जो चीज़ों को खराब करती है, क्योंकि अब एक्सपायरी के आसपास आप आ चुके हो, मार्केट वैसे भी गैप डाउन है, आज पूरी मेहनत तो सिर्फ गैप को भरने पर लग जाएगी, बट फिर भी अगर ये 55 नहीं तोड़ता तो धीरे धीरे गलेगी कॉल, आज 38 रुपए की दिख रही है, शेयर यही रहे तो फिर थोड़ा और नीचे चल सकता, बट मेक इट श्योर, ध्यान इस चीज का रखिएगा, टारगेट अपने कंफर्ट का रखिए, लेकिन स्टॉप लॉस 55 जरूर देना, नहीं अगर ये 55 पार करेगा ना फिर बहुत जोर से ऊपर भी आ सकता है। बिल्कुल सही डिम्पी जी आपने बोला, और इसका जो टारगेट रहेगा वो 0 रहेगा, इसको 0 के लिए मैं वेटेज दूंगा, हमें इसको बायबैक ही नहीं करना है और एक्सचेंज सेटल के लिए छोड़ देना है। 1:2 की रेशियो है, यानी कि मिलेंगे तो पूरे के पूरे 40 रुपए आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे भी शॉर्ट होगी पोजीशंस और 55 का यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है सर,
ठीक है सर। डिम्पी जी साथ ही साथ मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा ऑप्शन सेल का ये भी एजुकेट करना चाहूंगा। देखिए कई बार ऑप्शन सेल में क्या देखने के लिए मिलता है कि स्टॉप लॉसेस हमारे जंप हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ओवरनाइट कुछ ऐसी न्यूज आ जाती हैं जिसमें मार्केट शेयर्स बहुत अच्छे गैप अप या गैप डाउन मूव्स ले सकते हैं। तो उस केस में मैं हमेशा अपने व्यूअर्स को रिकमेंड करूंगा कि जैसे उन्होंने कॉल सेल किया हुआ था तो एक बहुत दूर का एक कॉल ऑप्शन हमेशा डीप ओटीएम अपने पास रखें, या एक पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है तो डीप ओटीएम पुट हमेशा अपने पास रखें, जिससे क्योंकि गैप अप गैप डाउन में कई बार ये देखा है कि स्टॉप लॉसेस जंप हो जाते हैं और उसके बाद व्यूअर्स का ट्रेडर्स के इमोशंस आ जाते हैं कि 55 का स्टॉप लॉस का रेट इस समय 65 या 75 है, अब मैं क्या करूं, स्टॉप लॉस जंप हो गया, फिर वो उसको होल्ड करते हैं, वो बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमेशा एक डीप ओटीएम कॉल ऑप्शन हमेशा अपनी बकेट में रखें, जो आपको एक एडिशनल ओवरनाइट रिस्क कैपेसिटी देता है, जिसमें बहुत ज्यादा आपको इट्स लाइक इंश्योरेंस, इंश्योरेंस अगर आप अपने ट्रेड का करेंगे, जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, तो आप हमेशा अच्छा रहेगा। ठीक है डन सर। अनु सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज अपने टाइम निकाला आपसे शेयर्स के बारे में चर्चा हुई, रिलायंस की कॉल के बारे में भी आप बता रहे हैं, जिसको शॉर्ट कर राइटिंग जिसको आती है ना थोड़ा ध्यान से सीखिए, अगर नहीं आती तो पहले सीख ले राइटिंग, और जो सर भी आपको बता रहे थे ना कि आप हेज करके रखिए और तो मनी कॉल्स को या डीप ओटीएम कॉल्स को, तो ये इसके बारे में पूरी पहले हम एक स्टडी करेंगे और कोशिश करेंगे कि अनुज सर के साथ ही करेंगे, ताकि उनके साथ हमें लर्निंग वाला ऐसा कुछ एक प्रोग्राम जरूर बनाने वाले हैं, और उसमें आपको ऑप्शंस की ना बारीकियां बताएंगे कि अगर आप 5 दिन के ट्रेडर हो, 1 वीक वाली कॉल लेते हो तो उसके पास नजरिया क्या आपका होना चाहिए, अगर आप महीने वाली कॉल ले रहे हो तो उस पर आपका नजरिया क्या होना चाहिए, इंडेक्स की कॉल ले रहे हो तो कैसे देखो, स्टॉक्स की कॉल ले रहे हो या पुट कैसे ले रहे हो, ऑप्शंस अपने आप में बहुत बेहतर चीज है, कम पैसे में अच्छी मनी बनाई जा सकती है, बट इसके पीछे ये है ये स्टडी होनी चाहिए, ये जेनरिक दवाई नहीं है, क्वेश्चन स्पेसिफिक दवाई, इसलिए पहले इसके बारे में पढ़ाई की जाए तो उसके बाद मेरे को लग रहा है बहुत अच्छे से। हेलो सर, हम आपसे टाइम लेंगे और वी विल डिसाइड कि हम ऐसा कुछ एक प्रोग्राम बनाए कि जिसमें जो क्वेश्चन होंगे ना लोगों के वो भी पूछे जाए। बिल्कुल डिम्पी जी सॉरी, कोई सौदा नहीं लेंगे, जिसको जो पढ़ने वाला पूछना होगा ना सिर्फ वही क्वेश्चंस ही लेंगे, सौदे वाला कुछ नहीं लेंगे। बिल्कुल डिम्पी जी मैं यही कहना चाहता हूँ, यही मेरा हमेशा ड्रीम रहा है कि किसी को फिश मत दो, हाउ टू सेल ए बोट, उनको ये सिखाओ कि बोट को चलाना कैसे है, किस तरह आंधी में उस नाव को पाल लगाना है, मेरा हमेशा यही पर्पज रहा है कि नाव में बैठा करके उन्हें पाल नहीं लगाना है, उन्हें नाव चलानी सिखानी है, और मैं हमेशा यही सिखाना चाहता हूँ। देखिए डिम्पी जी कई बार क्या होता है, जैसे आप एक ट्रेड एनालिसिस के बाद देते हैं, हम लोग इतनी मेहनत के बाद देते हैं, अब प्रोबेबिलिटी ये होती है कि 70-80% प्रोबेबिलिटी होती है उसका टारगेट आएगा, 10-20% प्रोबेबिलिटी स्टॉप लॉस की भी हमेशा बनी रहती है। अब देखिए जब स्टॉप लॉस आ जाते हैं तो कई बार व्यूअर्स बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसके पीछे की बैकग्राउंड नहीं समझ पाते, उस मनी साइकोलॉजी को, मनी मैनेजमेंट को नहीं समझ पाते, और उनको लगता है कि हर ट्रेड हमें प्रॉफिट के मिलने चाहिए। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर 10 ट्रेड हम हिट करते हैं, 5 टारगेट और 5 स्टॉप लॉस मिलते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, तब भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में रहते हैं। तो हम अपने व्यूअर्स को ये सिखाना चाहते हैं कि कैसे वो फंड मैनेजमेंट करें, कैसे वो कंसिस्टेंट रिटर्न बनाएं, और पूरा भारत हमारे साथ ट्रेड करे, हम लोग इस तरीके से ट्रेड कराएं कि पूरा भारत हमारे साथ ट्रेड करे, तो वो हमेशा मेरा सपना रहा है, और उस पूरे ट्रेड पैटर्न को हम लोग पूरे भारत का हैंड होल्ड करें। बिल्कुल सर, वो हम आपके साथ ही है और वी बिलीव कि जल्दी से जल्दी ये पूरा भी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए अनुज सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।